भारतीय चेतना शक्ति पार्टी के पुष्प राजगढ़ में अमित पंडावर ने अपने नामांकन दाखिल किया। वे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इसके बाद मीडिया से बातचीत कर बताया कि हमारी पार्टी और मेरा उद्देश्य आम जनमानस को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना होगा। उन्होंने शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मामलों को हल करने पर जोर दिया। आज पुष्प राजगढ़ की जनता जो है, तहसील रांगड़ में जो जितने मामलों को लेकर के हम उपस्थित होते हैं, यहाँ तहसील न्यायालय में भी काफ़ी परेशानी है और ग्राम पंचायतों की दुर्दशा को देखा जाए आज की स्थिति में, तो पूर्ण रूप से एकदम सरपंच, सचिव जो भी हैं, जिस तरह से उनको फंड मिलना चाहिए पूर्णता के साथ फंड भी नहीं मिल पा रहा है। शासन एक तरह से ढकोसला बना कर रखा है और राजेंद्र ग्राम में भी आप देखें तो विकास के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो यहाँ तो मतलब कागजी कार्रवाई बस हुआ है, अन्यथा विकास जो है क्षेत्र में देखा जाए तो कहीं भी।